हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेके आने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। यदि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सही तरीके से समझना चाहते हैं, क्या आप घर बैठे बैठे चुटकियों में मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या आपको पता है आपके टॉप कॉम्पिटिटर कौन है और क्या रीजन है जिनकी वजह से वो यूनिकॉर्न बने बैठे हैं मार्केट में, कौन सी जगह पर कौन से बिल्डर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट करना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में कौन से स्टेट के कौन से सिटी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। यदि आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो उसका जवाब है कॉन्टैक्ट हब बिजनेस डैशबोर्ड एनालिसिस। और ये समझाने के लिए हमारे डेटा एनालिस्ट मिस्टर तेजस्वी कुमावत आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सप्लेन करेंगे। हाय, माय नेम इज तेजस्वी कुमावत एंड आई एम डेटा एनालिस्ट। आज मैं आपको कॉन्टैक्ट हब बिजनेस डैशबोर्ड एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। हमने ये राजस्थान का डैशबोर्ड लिया है। बेसिकली इसमें जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। और ये इसका जो बेस है वो है टोटल बिल्टअप एरिया, मतलब कि कितने बिल्टअप एरिया पे किन किन बिल्डर्स ने, किन किन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड थे और कौन से आर्किटेक्ट उसमें इंक्लूडेड थे। और बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राजस्थान का है और कौन कौन से सिटीज़ के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। अगर अपन ये बात करें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसा कि ये देख पा रहे हैं, जयपुर में सबसे ज़्यादा काम किया गया है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो अलवर में सबसे ज़्यादा काम किया गया है, देन ये है उदयपुर का, ये है कोटा का और ये है जोधपुर का। और अगर अपन यहाँ पे देखें आज तक का टोटल बिल्टअप एरिया का जो सम है वो है बेसिकली 28.2 मिलियंस का, मतलब कि इतने बिल्टअप एरिया पे आज तक काम हुआ है और होने वाला है। ये डेटा जो है 2009 से लेकर 2032 तक का है, ठीक है। और यहाँ पे है ये टोटल नंबर ऑफ काउंट्स। बेसिकली ये काउंट्स ये अपने को सिंबलाइज कर रहे हैं कि आज तक के टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर अपन ये देखें तो ये है ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन कौन से उनकी स्टार्टिंग डेट थी और कितने टोटल बिल्टअप एरिया का उन वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, और ये है उन प्रोजेक्ट्स की एंड डेट। बेसिकली कितने जो टोटल बिल्टअप एरिया है उन पे काम किया गया है और वो ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये सारे जो भी हैं ये प्रोजेक्ट के नेम्स हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितना उनका बिल्टअप एरिया रहा है और रहने वाला है। और ये नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि हाँ ये बिल्डर्स हैं, ये सारे आर्किटेक्ट्स हैं, इनकी हेल्प से इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपने को ये देखना है कि जैसे कमर्शियल है, ग्रुप हाउसिंग है कि मिक्स्ड है, तो अगर अपन जैसे ये देखना चाहें कि ग्रुप हाउसिंग है, ग्रुप हाउसिंग में अगर अपन क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड डायनामिकली चेंज होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा कि टोटल ग्रुप हाउसिंग में कितने बिल्डर्स रहे हैं, कितने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स रहे हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं और उन सभी लोगों ने सिटी वाइज कितना कितना काम किया है। तो अगर अपन ये बात करें कि ग्रुप हाउसिंग की, इसमें लगभग 25 मिलियन का काम किया गया है और सबसे ज़्यादा काम किया गया है जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी अगर अपन टॉप के बिल्डर्स देखें तो सबसे ज़्यादा काम किया है यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने, और कॉरस्पॉन्डिंग उनके रहा है एवलॉन प्रोजेक्ट्स, देन रहे हैं रॉयल लिविंग होम्स। और अगर अपन जैसे बात करें कि एवलॉन की अगर अपन बात करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो डैशबोर्ड है ये बेसिकली एवलॉन प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर इनके रहे हैं NCC डिज़ाइन इंटरनेशनल, और उनके आर्किटेक्ट रहे हैं सिक्का एसोसिएट्स, और जो बेसिकली इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हैं वो हैं सनशाइन, ये आकांक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स और SMID इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो सबसे ज़्यादा 2013 में रहे हैं, 2014 में रहे हैं, और उनके सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए हैं वो है 2020 के अंदर, जिनका लगभग टोटल सम है 3,01,485 करीबन बिल्टअप एरिया का उनका सम रहा है। तो इस तरीके से ये ग्रुप हाउसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख सकते हैं यहाँ पे। अगर अपन ये बात करें कि जैसे अपने को जयपुर का देखना है तो जयपुर के अंदर ये टोटल जो भी बिल्डर्स रहे हैं अब और ये जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, तो अगर अपन ये देखें विजय टेक नाम का बहुत फेमस रहे हैं,
प्राइम टेक जो है वो टॉप पे चल रहे हैं। आर्किटेक्ट जो है उसके अंदर अपन देखें तो ये स्पेस ग्रिड जयपुर में लीड करते हैं, आइडियाज कंसल्टेंट्स जो हैं वो जयपुर में लीड करते हैं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्किटेक्ट्स हैं वो हैं भीवाराम पन्नालाल कुमावत, और ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्डर्स रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज ओवरव्यू कि ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन सा बिल्डर्स कितने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के साथ में मिलकर किन किन कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प से मार्केट में रोटेट किया जा रहा है। और बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है ये अपने को बताता है कि मार्केट में कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस किया है, उस प्रोग्रेस में जो यूनिकॉर्न्स जो रहे हैं उनका क्या मेजर रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपना ग्राफ को बढ़ाया है, और कौन कौन लोगों की हेल्प से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। सो इस तरीके से बेसिकली ये डैशबोर्ड जो है वो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकता है जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने आप को आगे आने वाले टाइम में देखते हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट आप लेके आने वाले हैं मार्केट में, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। तो ये है कॉन्टैक्ट हब बिजनेस डैशबोर्ड एनालिसिस। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल हो या फिर कॉन्टैक्ट हब बिजनेस डैशबोर्ड एनालिसिस के बारे में और जानना हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।